वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ नॉलेज इन नॉलेज। आज का हमारा विषय है शिक्षक दिन यानी कि टीचर्स डे। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। वैसे तो माता पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि माता पिता वही हैं जो हमें इस सुंदर दुनिया में लेके आते हैं, और वही दुनिया के सबसे पहले गुरु हैं, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं कैसे बोलना, क्या बोलना, कैसे चलना। इसके बाद और किसी का स्थान हो तो वो है गुरु का। गुरु हमें ज्ञान देते हैं जिससे हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। गुरु एक माली की तरह है जो उद्यान में अलग अलग फूल उगाते हैं, और वही है जो हमें कांटों से बचना भी सिखाते हैं। चाणक्य ने सही कहा है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, क्योंकि निर्माण और प्रलय उसकी गोद में खेला करते हैं। तो आइए शिक्षक दिन के बारे में कुछ देखते हैं, पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिन मनाया जाता है। वैसे तो दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग दिन को ये मनाया जाता है, जैसे कि चीन में 10 सितंबर को शिक्षक दिन मनाया जाता है। भारत में ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके सम्मान में मनाया जाता है। भारत सरकार इस दिन शिक्षकों को पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं। शिक्षक वो रीढ़ की हड्डी के जैसा है, जिसके बगैर समाज कभी चल नहीं पा सकता के उठ नहीं पाता। शिक्षक का सम्मान करना हमारा फर्ज है। भारत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में जो शिक्षक दिन मनाया जाता है, उन्होंने अपना योगदान 40 सालों तक इस क्षेत्र में दिया है। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी नामक गाँव में हुआ था, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के शिक्षण में गुजार दी। इस दिन स्कूलों में पढ़ाई बंद रहती है और ये दिन उत्सव की तरह मनाया जाता है, और इस दिन स्मरण की गतिविधियां होती हैं और शिक्षकों का सम्मान होता है, उनको पोस्टकार्ड दिए जाते हैं, और अभी के ज़माने में तो उनको ग्रीटिंग्स नेट थ्रू यानी कि मेल थ्रू भी दिए जाते हैं। भारत में गुरु शिष्य के बहुत स्वर्णिम उदाहरण रहे हैं, जैसे कि एकलव्य और गुरुद्रोण, जैसे विवेकानंद जी और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी। अभी भारत सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है कि हमारा साक्षरता दर बढ़े। सरकारी प्रयास काफ़ी रहे हैं शिक्षा बढ़ाने के लिए बच्चों में, जो कि आजकल कोई कोई शिक्षक इस हमारे शिक्षण के फील्ड को कलंकित कर रहे हैं। वो विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियों के साथ बराबर व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम संकल्प करें और इस दिन से हम ये सुधारने की कोशिश करते हैं। अभी आई हुई फिल्म सुपर 30 भी इसके ऊपर ही। तो आइए हम संकल्प करें और गुरु शिष्य के सपन को पहले के जैसे ही स्वर्णिम बनाएं। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी टीचर्स डे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।